देखिए फिजिक्स पार्ट 3 आज चलेगा, ठीक है। और हमने आपको बता दिया था कि कूलाम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। इतना चीज़ हमने आपको बताया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन और उसको हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम विभिन्न चालकों से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो पहला टॉपिक है, यहाँ लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार चालक के कारण। चालक जानते हैं आप क्या होता है, चालक, अचालक और अर्धचालक। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। चालक का मतलब होता है कि यदि आप चालक को आवेश देंगे तो जो आवेश होगा वह उसके सरफेस पर एकत्रित होगा, मतलब बीच में नहीं रहेगा आवेश। और दूसरी बात यह है कि अर्धचालक जो होता है वह चालक और अचालक के बीच में होता है, उसकी बात अभी नहीं करते हम लोग, उसका अलग चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। इसमें एक होता है अचालक, अचालक को जो आप आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर ना जाकर कहाँ जाएगा, उसके भीतर चला जाएगा, उसके वैल्यू में चला जाएगा, सरफेस पे नहीं जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके से जाएगा कि यदि मान लीजिए आप लेते हैं चालक लेते हैं तो आवेश, इसको आप आवेशित करेंगे तो आवेश इसके बाहर ही रह जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। और यदि आप लेते हैं अचालक तो अचालक को जब आवेशित करेंगे तो आवेश इसके भीतर चला जाएगा, इसके आयतन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अचालक के लिए होता है और ये चालक के लिए होता है। तो एक चालक है, ठीक है, और आवेश इसके पृष्ठ पर है, सरफेस पर है, ठीक है। ये जो हमने बनाया आपको दिखाने के लिए, केवल वैसे सर्किल तो केवल इतना ही है, ठीक है, इसके पृष्ठ पर आवेश हैं और इसी के कारण हमको निकालना है कि इस सर्किल ओ से बिंदु पी पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको कहाँ पर, बिंदु पी पर निकालना है और इस पूरे आवेश के कारण निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं जैसे इतना सारा आवेश है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया और इस छोटे से आवेश के कारण इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हम क्या करेंगे, जानते हैं आप कि एक छोटे से आवेश के कारण अवधि निकाले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद इसका पूरे का समाकलन कर दें तो मिल जाएगा हमको। जैसे क्या है कि पहले हम छोटे से निकालें, फिर इतना छोटा यहाँ लेंगे, फिर इतना छोटा यहाँ लेंगे, फिर इतना छोटा यहाँ, सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं कि एक का निकालते हैं उसके बाद पूरे का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा कि पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ये मान लेते हैं इसका जो यहाँ पर जो आवेश है इसको मान लेते हैं कितना है, डी क्यू, मतलब बहुत छोटा ही आवेश है डी क्यू, ठीक है, इतना आवेश है और इस आवेश के कारण हमको निकालना बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि जो सर्किल है इसका रेडियस स्मॉल ए है, ठीक है, रेडियस माने त्रिज्या इसका जो है स्मॉल ए है और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल एक्स है। और माना हमने कि बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ याद होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर स्क्वायर, यही होता है। तो हम इस आवेश के कारण निकालें तो इस आवेश से जो बिंदु पी है वो कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो उसके लिए जो हम समीकरण निकालेंगे तो ये आएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी क्यू और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर, नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर, डी ई इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट डी क्यू और बटे में एक्स स्क्वायर। ये देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका यदि हम कुछ नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं इसका हम नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं पी, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ए पी डायरेक्शन में होगा, ए पी दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यदि हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रख दें तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, ए पी दिशा में, ठीक है। उसी कारण मान लेते हैं कि एक यहाँ पर भी है, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसको रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा आगे की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके कारण निकालते हैं और इसके कारण निकालते हैं, ठीक है, दोनों के कारण निकालते हैं। और यहाँ देखिए दोनों कारण निकालेंगे, दोनों का सेम ही आएगा,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम पहले एक निकाल लेते हैं, डी ई बराबर हो गया 1/4π ε₀ डी क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने इसके कारण निकाला, इसी कारण से हम इधर भी निकाल सकते हैं कि इसके कारण कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद मान लेते हैं कि ए वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, और ए डिस्टेंस जितना और डिस्टेंस ए भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हो गया ना, इसका किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, ये हो गया इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेल ट्रायंगल, मतलब इसके जो दो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। दो भुजा बराबर का मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके दो भुजा बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये भी थीटा हो गया। अब देखिए होगा क्या कि इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण से यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो हमने क्या किया कि इस विद्युत क्षेत्र जो इधर जा रहा था, देखा जाए तो दोनों बराबर ही होंगे ई वन ई टू, तो केवल ई ही लिखते हैं ठीक रहेगा। यहाँ देखिए ये सभी कॉन्स्टेंट है, हमने क्या किया इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो ये क्षैतिज घटक हो गया और ये ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा के सामने हम लेते हैं ई कॉस थीटा, इसके लिए यदि बोलें मतलब ये जो लाइन है इसके लिए, तो इस थीटा के डायरेक्शन में हो जाएगा ई कॉस थीटा और लंबवत डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा। फिर इसके कारण निकाले हैं तो ये भी एंगल थीटा ही है, इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया ई कॉस थीटा और फिर ई साइन थीटा। अब देखा जाए यहाँ पर ई साइन थीटा मतलब ई साइन थीटा एक नीचे की तरफ है और ई साइन थीटा ऊपर की तरफ है, ये दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। जैसे होता नहीं है कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति बल इधर से लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, और दोनों का बल बराबर है, तो मान लीजिए एक रस्सी पकड़े हुए हैं, एक इधर से लगा रहा है एक इधर से लगा रहा है, तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी ना। तो कहने का मतलब बिल्कुल सेम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों बराबर और विपरीत हैं, तो होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, इनका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पर देखिए ई कॉस थीटा दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा मतलब टू ई कॉस थीटा हो जाएगा टोटल देखा जाए तो। ठीक है, तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण दोनों के कारण निकालेंगे तो उस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर जो क्षैतिज डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, देखिए आएगा क्या इन दोनों अल्पांशों के कारण, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा टू, फिर उसके बाद या फिर ऐसे लिख लेते हैं 1/4π ε₀ हो जाएगा और टू हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा और बटे में एक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा दोनों डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, एक का हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, क्षैतिज घटक निकाल रहे हैं केवल, तो क्षैतिज घटक तो जुड़ जाते हैं, तो यदि एक का है 1/4π ε₀, ठीक है, ये केवल एक के लिए है, तो हमने एक के लिए निकाल लिया। यदि दोनों के लिए निकालना होगा तो दोनों को ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा जोड़ेंगे तो आ जाएगा टू डी क्यू बटे में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे में कर्ण लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/4π ε₀ इंटू में टू डी क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू को डी क्यू ही लिखने देते हैं, और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखिए एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल लग रहा है, तो ये हो जाएगा विकर्ण मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और एक्स बराबर निकालेंगे तो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा एक्स की जगह हम लिख देते हैं, लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा को लिखेंगे क्या हम लोग, आधार बटे कर्ण मतलब आर के बटे में यक्स, तो 1/4π ε₀ टू डी क्यू बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर बटे यक्स लिखा हुआ है, मतलब यक्स को हमने बताया कि इस रूप में लिख सकते हैं इसको हम, तो हो जाएगा आर के बटे में यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/4π ε₀ टू डी क्यू और बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर बटे में। ठीक है, इसको एक चीज़ और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4π ε₀ हो जाएगा टू डी क्यू बटे में इसका पावर वन है और इसका पावर 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आर के बटे में कुछ ए स्क्वायर प्लस, यहाँ आर रहेगा एक्स नहीं रहेगा, ठीक है तो आर रहेगा, हो गया। चलिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इसका पावर 1/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें यदि हम तो 1/4 पाई ε0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए हो जाएगा 2, ठीक है आर, फिर हो जाएगा डी क्यू और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 3/2। इतना क्लियर है? आगे देखिए ये तो निकल गया, केवल इस अल्पांश के कारण निकला अभी, ठीक है हमको निकालना है कि पूरे के कारण कितना होगा विद्युत क्षेत्र, वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर लेते हैं। तो जब अवकलन करेंगे तो देखिए हो जाएगा, मतलब अवकलन नहीं समाकलन करेंगे तो डी ई बराबर हो जाएगा 1/4 πε0 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट ही है, आर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है मतलब आर और ए सभी कांस्टेंट है, बस डी क्यू जो है कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग डी क्यू रहने देते हैं, ठीक है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के पावर 3/2 कांस्टेंट हो गया, बचता है ओनली डी क्यू, इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग, ठीक है तो समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 πε0 2r ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2, डी क्यू लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कितना क्यू। चलिए कंप्लीट, यहाँ देखिए अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 πε0 टू आर या फिर 2qr लिख लेते हैं, 2qr, ठीक है 2qr हो गया और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 3/2। तो ये देखिए आपका हो गया कि इस पूरे के कारण यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा वो हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है तो ये है इस क्षैतिज वृत्त के कारण, क्षैतिज चालक वृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर कितना होगा ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसमें क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक क्या है, एक चालक गोला है और क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब समझते हैं क्या होता है आप लोग, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे एक क्या होता है कि हम एक गोला लेते हैं और उसको एक सरफेस पर ऐसे खड़ा कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ऊर्ध्वाधर गोला है और इस गोले के कारण हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर क्या है एक बिंदु है P है जहाँ पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि इस गोले में जैसे यहाँ पर इतने प्लस चार्ज हैं, बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और एक समान रूप से फैले हुए हैं, तो मान लेते हैं कि छोटा सा अल्पांश हमने लिया और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना होगा डी क्यू होगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी आ रहे, तो हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि पॉइंट क्यू के कारण हमको निकालना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तभी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान लिया कि यहाँ जो डिस्टेंस हो कितना है एक्स है, तो इसके कारण हमने निकाली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कुछ इतना आया था डी ई बराबर 1/4 πε0 डी क्यू बटे में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा हमने कैसे लिया वो हमको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यदि इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ आएगा, मतलब थीटा कोण पर आ रहा है, तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब यहाँ से देखिए हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, मतलब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है क्योंकि होता है कि जो सदिश राशि होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, ठीक है तो हम डायरेक्शन को दो घटक में विभाजित किए हैं, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक, ठीक है तो देखिए लंबवत घटक आया कुछ नीचे ई साइन थीटा और जो क्षैतिज घटक है वह है ई कॉस थीटा, और थीटा के सामने लेते हैं हमेशा कॉस थीटा और थीटा के अपोजिट लेते हैं साइन थीटा, ठीक है अब यहाँ देखिए
इसी तरीके से हम इस अल्पांश के कारण निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी थीटा ही है, ये भी थीटा है, तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक ऊपर की तरफ जाएगा ई साइन थीटा लंबवत घटक, और एक क्षैतिज घटक ई साइन थीटा आएगा, मतलब ई कॉस थीटा आएगा। अब ये दोनों तो एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा जो है, मतलब ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। बचता है जो, उसको हम लोग लिखते हैं, तो बचा हमारे पास केवल कॉस थीटा ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कुछ ऐसा डैश, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π ε0। दोनों के कारण निकालना है तो जोड़ दीजिए, दोनों का सेम ही आएगा, तो 1/4π ε0 2dq/mx²cos θ। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर हमने लिखा है x/r। अब x/r कैसे हो गया, मतलब जो है r/x लिखा है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे जो होता है यहाँ पर, देखिए होता है लाल बटे कक्का, ये चीज़ जानते होंगे आप लोग, बहुत पहले ही बताएगा आप लोगों को। मतलब ये होता है कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा के लिए, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा के लिए, और ये होता है टेन थीटा के लिए। यदि कॉस थीटा रहेगा तो आधार बटे कर्ण, और यदि साइन थीटा रहेगा तो लंब बटे कर्ण, और यदि टेन थीटा रहेगा तो लंब बटे आधार लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा है तो हमने लिया है आधार बटे में कर्ण, तो आधार हो गया आर और कर्ण हो जाएगा यक्स, तो हमने ले लिया आर बटे यक्स। और हमने यहाँ से देखिए पाइथागोरियस थ्योरम जो होता है, यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यक्स बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा कर्णी में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंबवत हो गया, तो यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यक्स बराबर निकालेंगे तो रूट में आएगा, कर्णी में आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए यक्स बराबर हमने रखा, यदि इस कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाता है, सिंपल सी बात है, कड़ी हट जाएगा। और कॉस थीटा बराबर आर बटे यक्स, यक्स का मान भी रख लेते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, हमने बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड होता है, हमने लिख दिया 3/2, ठीक है। उसके बाद नीचे सॉल्व किया, इसी चीज़ को हम यहाँ लिखें, ध्यान से देखिएगा, डी क्यू का समाकलन करेंगे तो आएगा टोटल क्यू, क्योंकि छोटा सा वैसे समाकलन करने पे पूरे का मिल जाएगा आपको, तो क्यों हो गया, और आर तो कांस्टेंट ही है क्योंकि ये तो डिस्टेंस कभी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। और क्या माना है हमने, कॉस थीटा जो भी मान है यहाँ पर 1/4π ε0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमने आपको बताया था कि 1/4π ε0 का जो मान होता है ये होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 1/4π ε0 की, तो ये तो फिक्स है ना, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब बचता है आर, ये भी फिक्स हमने मान लिया है, ये वृत्त की त्रिज्या ये भी फिक्स ही है, कभी चेंज नहीं हो सकता, आर फिक्स है, तो जो नहीं फिक्स है उसी का समाकलन करेंगे हम लोग, तो डी क्यू फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकता है, हमने इसको माना है तो ये लगातार चेंज होता रहेगा। इस तरीके से सबका हम निकाल सकते हैं, तो पूरे का निकाला तो क्यों हो गया 1/4π ε0 2qr/a²(3/2), ये निकल गया कि इस पूरे चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यहाँ पर वो कितना होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है, चलिए।